उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की हलचल तेज हो गई है और दीपावली के त्योहार के चलते राजनीतिक दलों के प्रत्याशी लोगों के बीच सक्रिय है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में मलिन बस्ती का दौरा किया, जहां उन्होंने माझी समुदाय के महिलाओं और बच्चों को मिठाइयां और उपहार बांटे। सीएम योगी ने इस मौके पर अयोध्या की जनता और प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं इस पावन अवसर पर श्री हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि के दर्शन के बाद आपके मोहल्ले में आया। मुख्यमंत्री ने दिवाली के पर्व की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये त्योहार हर किसी के जीवन में खुशी और समृद्धि लाए। उन्होंने आगे कहा, पर्व और त्योहार अकेले नहीं मनाए जाते, बल्कि इन्हें समाज के साथ मिलकर मनाना चाहिए। कल का दीपोत्सव इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। सीएम योगी ने मीडिया में अयोध्या के दीपोत्सव के चर्चे का भी उल्लेख किया, ये कहते हुए कि ये अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी है कि उनका नाम हमेशा गूंजता रहे। उन्होंने 500 साल के इंतजार के बाद इस अवसर को ऐतिहासिक बताया, जब रामलला की उपस्थिति में अयोध्या वासी पहली बार दीपावली मनाएंगे।